नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सेक्सी गुरुजी को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर वैकेंसी और नोट्स की न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूं आपके सामने रीट लेवल 2 से संबंधित कुछ नई अपडेट्स के लिए। दोस्तों तो सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं कुछ पर्सनल कारणों से दोस्तों 2 दिन से अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए दोस्तों गया था, तो उसमें व्यस्त था दोस्तों, इसलिए अपडेट नहीं दे पाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अपडेट जो हैं वो आज की जो शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए आपको न्यूज़ दिखाता हूँ मैं। जो कमलेश मीणा ने फैसले के खिलाफ डबल बेंच में याचिका लगाई थी दोस्तों, उस याचिका की दोस्तों कल सुनवाई है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि केस लिस्टेड हो चुका है दोस्तों, 11 तारीख को कोर्ट नंबर 2 में सुनवाई है दोस्तों। और जज साहब हैं दोस्तों ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद रफीक साहब और ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर गोवर्धन बरदार। दोस्तों जो केस नंबर है वो है 41 दोस्तों, एक ही केस है डबल बेंच में। तो दोस्तों सुनवाई तो कल होगी और सुनवाई का समय होगा दोस्तों 10:30 से लेके 1 बजे तक ही सुनवाई, इसकी वजह क्योंकि एक ही केस है दोस्तों इसलिए। और दोस्तों रही बात केस की दोस्तों, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा पक्ष पहले भी मजबूत था और अभी भी मजबूत ही रहेगा दोस्तों, और आपकी ज्वाइनिंग 100% होगी दोस्तों। कमलेश मीणा की जो गलत भावनाएं हैं दोस्तों वो कभी भी पूरी नहीं हो पाएंगी दोस्तों, और सभी 28,000 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग 100% होगी दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही इसकी कोई कल अपडेट होती है दोस्तों, जो भी केस अगर खारिज होता है तो उसकी गुड न्यूज़ दोस्तों चैनल पर ज़रूर दे देंगे हम। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि हर लेटेस्ट अपडेट के साथ आप जुड़े रहें दोस्तों। और दोस्तों साइंस मैथ केस की सुनवाई भी 12 तारीख को दोस्तों कोर्ट नंबर 2 में 37, 38, 39 और 40 नंबर पर होगी दोस्तों। 37, 38, 39, 40 तो दोस्तों यह जो मैटर है वह 2016 का जो मैटर है उसमें विज्ञान शाह जी और महेंद्र शाह जी द्वारा इसको 2018 को भी दोस्तों अटकाने के लिए अटैच कर दिया है, तो उसकी सुनवाई 12 को है। तो उस मैटर में जो हैं विज्ञान शाह जी हैं उनको परास्त करने के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट वकील जो कि SP चौहान जी द्वारा किया जा रहा है दोस्तों, तो उसमें भी मजबूत पैरवी से उनको परास्त करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे LDC एग्ज़ाम में भी विज्ञान शाह जी को आज परास्त किया गया है दोस्तों। तो कभी भी दोस्तों सत्य की हार नहीं होती दोस्तों, सत्य की जीत होती है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 2016 का गजट और 2018 का गजट दोनों अलग अलग हैं दोस्तों, और उसमें गणित विज्ञान की पोस्ट अलग अलग नहीं हो सकती दोस्तों 2018 वाली में, तो घबराने की आवश्यकता उसमें भी नहीं है। साइंस मैथ मैटर में दोस्तों इन्होंने गुपचुप तरीके से केस लगा दिया भर्ती को अटकाने के लिए सिर्फ, बाकी इनका उद्देश्य सही नहीं है दोस्तों। तो अगर कोई भाई बहन जुड़ा है इनसे तो प्लीज़ अपने भविष्य को सुधारें, और अगर आपका नहीं हो रहा है तो आने वाली तैयारियों में जुट जाएं दोस्तों, क्योंकि ऐसे लोगों का काम कुछ नहीं होता, बस ये कोर्ट में पहुंचकर भर्ती को अटकाते हैं, और उनका तो कोई अता पता नहीं है दोस्तों। लेकिन आप अपना भविष्य सुधार सकते हैं, ऐसे लोगों से बच के रहें दोस्तों। यह अनिल चौराठिया नाम से दोस्तों केस लगाए हैं साइंस मैथ में, जिसमें पिटिशनर महेंद्र शाह जी को लगाए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसकी सुनवाई भी 12 तारीख को होगी दोस्तों, तो इसकी जो भी अपडेट होगी वो चैनल पर डाल देंगे दोस्तों। हालांकि सब पॉजिटिव है दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट इसके फेवर में है और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कराने के लिए प्रतिबद्ध है दोस्तों। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों मैं करा के आया हूँ, तो इतना ज़्यादा कोई लोड नहीं है दोस्तों, जो कि बाहरी जो लोग हैं वो ज़्यादा
अफवाह फैलाते हैं दोस्तों, घबराते हैं अभ्यर्थियों को कि ये होगा वो होगा। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सिर्फ 10वीं 12वीं और बीएससी थर्ड ईयर या बीए थर्ड ईयर और बीएड की मार्कशीट और रीट की मार्कशीट दोस्तों इसके नंबर देखेंगे आपके, क्या आपने जो फॉर्म में फिलअप किया है वो सही फिलअप किया है या आपने गलत तरीके से दोस्तों मेरिट में घुसने की कोशिश की है। क्योंकि दोस्तों फर्जी दस्तावेज पेश करने पर आपको सीधे जेल ही होगी दोस्तों। तो फर्जी दस्तावेज जो भी जो जमा कराना चाहते हैं दोस्तों, तो कृपया करके वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाएं, वरना आप पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी दोस्तों। दोस्तों फाइल के साथ जो आपको अटैच करने हैं जो मेन फाइल है वो है आपके एक तो मूल आवेदन पत्र जो है दोस्तों वो 3 पेज का, और जो आपके शपथ पत्र हैं दोस्तों वो सब ओरिजिनल लगेंगे, और 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोस्तों वो भी आपके ओरिजिनल लगेंगे फाइल में। बाकी अन्य दस्तावेज हैं दोस्तों वो आप फोटोकॉपी लगा सकते हैं जो कि मार्कशीटें हैं आपकी। और इसके साथ ही जो अन्य वाला पॉइंट था उसमें आप अपना आधार कार्ड वगैरह आप जो भी लगाना चाहे लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उनको जो लेना है वो आपके फाइल में से ले लेंगे। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस हो गई है, और जैसे ही स्कूल की लिस्ट आती है दोस्तों खाली जो जो भी रिक्त पद देखने की वो 17 तक अपडेट हो जाएगी दोस्तों। तो जैसे ही अपडेट होती है साइट जो भी लिंक है दोस्तों वो आपको हम चैनल पर डाल देंगे दोस्तों, तो आप वो भी देख पा लेंगे दोस्तों। 19 तक आपके काउंसलिंग कैंपों की स्थापना भी हो जाएगी दोस्तों, आपको स्कूल अलर्ट हो जाएगी 19 को, और 28 तारीख को दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग पक्की है दोस्तों। तो घबराए नहीं, किसी फेक चैनल की न्यूज़ देखकर आप हताश नहीं होए दोस्तों, सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ ही देखें दोस्तों, और ऑथेंटिक न्यूज़ सिर्फ आपको हमारे चैनल पर मिलेगी दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर भर्ती से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी दोस्तों और जो कि ऑथेंटिक होगी वो हम आपको चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की बस इतनी ही जानकारी है, अलविदा लेता हूँ दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।